झारखंड के नंबर वन यूट्यूब चैनल आजाद सिपाही का आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानन राय और आज हम चर्चा करेंगे कोल ब्लॉक नीलामी पर हो रही राजनीति पर। इस मसले पर आज झामुमो और भाजपा ने अलग अलग प्रेस वार्ता की। झामुमो ने प्रेस वार्ता में कहा कि इस मामले में भाजपा को हड़बड़ी क्यों है, वहीं भाजपा ने प्रेस वार्ता में कहा कि इससे झारखंड को 15,000 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिलेगा, यह राष्ट्रहित में है। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और आजाद सिपाही के प्रधान संपादक हरिनारायण सिंह जी। तो हम सर से बात करते हैं। सर, अलग अलग बयानबाजी हो रही है झामुमो और भाजपा की ओर से। भाजपा इसको राष्ट्रहित में बता रहा है, वहीं झामुमो कह रहे कि हड़बड़ी क्यों है भाजपा को। झामुमो महासचिव सुप्रीम भट्टाचार्य ने तो यहाँ तक कहा कि अडानी और अंबानी को कोल ब्लॉक देने की जल्दबाजी है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है उसमें दोनों का मकसद, दोनों दलों का मकसद क्या है? ये कोरोना काल में आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था जी कि इसको भी हम अवसर में बदलेंगे जी। ये देश के प्रधानमंत्री का बयान था और इसके साथ ही उन्होंने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। हमें लगता है कि ये बयान धीरे 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 जब नीचे लेवल पर भी शुरू हो गया, जब उन्होंने कहा था कि हम कोरोना काल को अवसर में बदलेंगे तो उनके अंदर क्या बात थी? एक रूपरेखा तो उन्होंने खींचने की कोशिश की, लेकिन अंदर खाने क्या था ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई थी। और आज जो कुछ भी देखने को मिला झारखंड की राजधानी रांची में जी, कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं ये दोनों दल, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये कोल नीलामी प्रक्रिया को एक अवसर में बदलना चाहते हैं जी। झामुमो इसको इस रूप में अवसर में बदलना चाहता है कि इसके पहले विभिन्न परियोजनाओं में जो लोग विस्थापित हुए, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, जो आज भी भटक रहे हैं जी, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है, भुखमरी की स्थिति है, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लोगों के सामने रहा है जी। विस्थापन का मुद्दा जो है बहुत मतलब गंभीर मुद्दा रहा है। आप देखे होंगे कि जो उद्योग आज से आज़ादी के बाद, तत्काल बाद जो उद्योग यहाँ पे लगे, उनके भी विस्थापन का मुद्दा आज तक नहीं सॉल्व हो पाया। वो कितना सही है कितना गलत है इस तो मैं नहीं बता सकता, ये तो सरकार बताएगी या जिस जो पीड़ित है वही बता सकता है। लेकिन लगता है कि जैसे आप HEC के मुद्दे को उठाइए, आज भी आप जाइएगा तो वहाँ विस्थापित संघर्ष मोर्चा ही है, आज तक है वहाँ पर कितने साल हो गए। हालांकि अब HEC अपने मतलब दुर्दिन गिन रहा है और तबाही के कगार पे है जी, मतलब अंतिम सांस कह सकते हैं कि गिन रहा है। कभी HEC से देश का नाम हो रहा था, एशिया किसान समझा जा रहा था, ये और उद्योगों का मदर माना जाता था इसको, आज वहाँ तनख्वाह कैसे मिलेगी, नौकरी रहेगी कि नहीं, ये दिन लोगों को देखना पड़ रहा। तो जो विस्थापन का JMM ने इसी विस्थापन के मुद्दे को कोर नीलामी की प्रक्रिया से जोड़ करके एक राजनीतिक अवसर में इसको बदलने का अवसर ढूंढ लिया, और ये राह जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही दिखाई है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही दिखाया। चूँकि पहले ही मैंने आपको बताया कि विस्थापन का मुद्दा बहुत बड़ा है,
और कहीं ना कहीं ये सही भी है कि जितनी भी परियोजनाएं हुई, जो भी नियम कानून बने, कागज पे बने होंगे, निश्चित बने, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुतों को नहीं पता, जो विस्थापित हुए उनको भी नहीं पता कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनको क्या क्या मिल सकता है, वो कहाँ जा सकते हैं, किस फोरम पे अपनी बात रख सकते हैं जिससे उनके साथ न्याय हो, बहुत लोगों को नहीं पता। जो नहीं प्रभावित थे, जो नहीं पीड़ित थे, वो चालाक किस्म में लोग जो हैं इसका लाभ ले लिए, लेकिन असल में वो रुक गया। तो जेएमएम इस चीज़ को, जो एक लोगों के ज्यादा जो सेंटिमेंटल इशू है ये, उस बात को जानता है। तो क्योंकि एक राजनीतिक दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, और बहुत मतलब झारखंड गठन के बाद पहली बार इतनी मजबूती के साथ, इतने बड़े दल के रूप में, इतने सारे विधायकों के साथ जेएमएम जो है ने सरकार बनाई। हेमंत सोरेन इसके पहले भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब उनकी संख्या इतनी नहीं थी। आज झारखंड के सबसे बड़े दल के रूप में, तो 30 सीट थी जेएमएम की, जिस पे जीत के ही आए थे, सरकार इन्होंने बनाई है। आज इनका दायरा बढ़ा है, पहुंच बढ़ी है जी, लोगों का विश्वास इन पे बढ़ा है, तभी ये इतनी सीट हासिल किए हैं। चुनाव के पहले इन्होंने यहाँ पे 2-3 इश्यूज उठाए थे, मुद्दे उठाए थे, जिसमें एक जमीन का अधिग्रहण मुद्दा था, विस्थापन मुद्दा था जी, 1932 का खतियान स्थानीय नीति मुद्दा था जी, नौकरी भी मुद्दा था कि मतलब क्या है, और लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। न सिर्फ सुदूर गांवों में, ग्रामीण इलाकों में, बल्कि शहरों में भी हेमंत सोरेन की इस अपील की या उनकी बात का असर लोगों में पड़ा जी। बहुत बड़े पैमाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट बढ़ा, परसेंटेज बढ़ा जी। कहीं मान लीजिए शहर में कहीं सीट नहीं जीत भी पाई तो, लेकिन परसेंटेज बढ़ा, वोट का परसेंटेज बढ़ा। गढ़वा जैसी जगह से जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर विजयी हुए, जबकि वहाँ धुरंधर लोग बहुत पहले से खड़े थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि जानता है झारखंड मुक्ति मोर्चा कि ये मुद्दा कितना उसके लिए एक कितना बड़ा अवसर है, तो क्यों जाने देगा। और ये भी जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी, मतलब ये जो कोर ब्लॉक की नीलामी की जो प्रक्रिया हो, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और सांसद संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताने की कोशिश की कि कैसे अगर नीलामी होती है तो झारखंड को 15,000 करोड़ रुपये सालाना मिलेंगे जी, सालाना मिलेंगे। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बताई हैं कि क्या क्या उससे लाभ हो सकता है, कैसे स्थिति सुधर सकती है। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं, जैसे विस्थापन का मुद्दा भी लगभग सॉल्व है, उसमें सारी चीज़ें, सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। और ये भी उन्होंने कहा है कि नहीं, CCL जो है उसको कोई कोल इंडिया या CCL कोई फ़र्क नहीं पड़ा, CCL को यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको 364 की 363 खदानें ऑलरेडी चल रही हैं। उसके अलावा मतलब जो पहले चरण में जो 9 खदानों की नीलामी होने वाली है, उसमें यह भी कि छोटी बड़ी खदानें मिला के 9 हैं, उसमें बहुत सारी खदानें बंद है। ये भाजपा का कहना है कि बहुत सारी खदानें बंद है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होगा। देखिए इस पर एक चार्ज हम ये भी बताते हैं कि जिससे अगर धरती की कोख में अगर कोयला है जी, तो उसको तो निकलना ही है। कोयला निकालने के लिए ही बना खनिज संपदा जो है अगर धरती के नीचे है, तो अगर नहीं निकलता तो उसका क्या मोल है जी। और अगर आप नहीं निकालते हैं तो आज नहीं तो कल उसमें आग लगेगी, जलेगा, तो पर्यावरण तो उससे भी प्रभावित होगा जी। हाँ, ये जरूर है कि उसके खनन में ऐसी विधि का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे तंत्र का इस्तेमाल किया जाए जो प्रदूषित नहीं होने दे, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। इसलिए आपको याद हो कि पहले CCL मैंने ये प्रावधान किया गया था कि आप जितना खनन करेंगे, जहां से आप कोयला निकालेंगे,
उसको उसी रफ्तार में आप उसको भरेंगे जी। बालू से भरना है आपको, मिट्टी से आपको भरना है, प्लस उस पर प्लांटेशन की भी बात हुई थी कि पूरे इलाके में आपको प्लांटेशन करना है जी। उस इलाके का जो पानी की व्यवस्था है उसको प्यूरीफाई करना है पानी को, ये सब व्यवस्था पहले से है। विस्थापन भी अभी है कि लेके जाएगा तो उसको रहने के लिए जगह मिलेगी, जमीन मिलेगी, रोजगार की व्यवस्था करनी है, जहाँ नहीं होता। जमीन ने जो सवाल उठाया है वो एकदम सही है कि विस्थापितों के साथ न्याय नहीं होता है जी। नियम है, सरकार की मंशा इसमें गलत नहीं है, नियम तो बना हुआ है कि उसको करना है, लेकिन उसका लाभ जो है माने राज्य स्तर पे जो अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं, कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, मिल बैठ के मिली भगत करके उसको खा जाते हैं, ऊपर ऊपर मलाई खा जाते हैं, विस्थापितों को छोड़ देते हैं। ये जेएमएम का कहना बिल्कुल सही है। हम ये भी बता रहे हैं कि देखिए खनन तो मतलब उसका सत्य तो यही है कि कोयला है जमीन के अंदर तो निकलेगा, निकला तो हीरा, नहीं निकला तो काला पत्थर है। पत्थर का भी एक मोल है, उसका तो वो भी मोल नहीं है क्योंकि पत्थर में तो सॉलिडिटी है, भूस्खलन का खतरा नहीं है। कोयला तो रहे, आग लगेगी तो हो जाएगा भूस्खलन, माने हो जाएगा, धुआं निकलेगा तो हो जाएगा। हाँ ये जरूर है, एक चीज़ हमें जो दिखाई पड़ा, जो आज पूरी तरह से मामला जो है जो राजनीति का शिकार हो रहा है या राजनीति के केंद्र में चला गया है और जो अवसर में लोग बदलना चाहते हैं, इसके पीछे कहानी यही है कि जिस समय इसकी रूपरेखा बनी या करना, अभी भी पूरी बात लोगों के सामने नहीं आई, टुकड़े टुकड़े में आ रही है। जेएमएम को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ खास उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है, ये जेएमएम ने कहा भी, लगता है कि उसने ऑफिशियली बयान दिया है, वो तो कुछ नाम भी लिए उसने, इवन अडानी का नाम लिया है, अंबानी का नाम लिया है, रुइया का नाम लिया है, कि चूंकि इनको लाभ पहुंचाना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बाहर से लोग नहीं आएंगे। देखिए होता क्या है कि व्यापारी व्यापारी होता है, बाहर का व्यापारी हो यहाँ का व्यापारी, लाभ कमाना उसका मकसद होता है। और ये सरकार पे डिपेंड करता है कि कैसे वो लोगों को लाभ दिलवाए, उसके खजाने में तो पैसा आए ही, राजस्व में तो वृद्धि हुई, साथ ही साथ लोगों को कैसे फायदा मिले, ये सरकार अच्छी तरह से करवा सकती। तो जेएमएम का ये कहना, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि देखिए अभी क्या है, उन लोगों का एक तर्क है कि जो देश की मौजूदा स्थिति है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, बहुत सारे राजस्व के स्रोत जो है वो बंद हो गए हैं, कब तक ये स्थिति चलेगी कोई कह नहीं सकता, क्योंकि दूसरी जगह देखिए हम विदेश की बात कर लें तो वहाँ पे अब धीरे धीरे कोरोना जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल की स्थिति में, जहाँ से ये निकला चीन में अब वहाँ नियंत्रण की स्थिति में जी। कई सारे देशों में ये नियंत्रित हो चुका है, अपने देश में बड़े पैमाने पर बढ़ रहा, 15,000-16,000 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। जिस समय ये निकला था उस समय भी हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय का वो आंकड़ा देखते थे और आज भी हम लोग देख रहे हैं। अब वो अब देखिए क्या है कि ये आंकड़ों का खेल क्या होता है कि एक तरफ संख्या 15,000-16,000 रिकॉर्ड टूटती जा रही है, दूसरी तरफ हो रहा है कि नहीं, अब जनसंख्या से जोड़ा जा रहा है कि मेरे यहाँ 130 करोड़ की जनसंख्या है, उसके हिसाब से देखें तो यही परसेंटेज होता है, उसके हिसाब से देखें तो। लेकिन हमें लगता है कि 16,000-15,000 केसेज रोज होना, ये साफ इंडिकेट करता है कि भारत महामारी की चपेट में फंस चुका है। उस महामारी के दो खतरे हैं, एक तो जो लोगों के जान माल का जो खतरा हो तो है, देश की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से चरमरा जाएगी, कमर टूट जाएगी। और जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, अभी जो आप देख रहे हैं कि जो मदद के नाम पे चावल मान खाद्यान्न ही जो मिल रहा है फ्री में जो दिया जा रहा है, कल की तारीख में अगर आर्थिक स्थिति ऐसे ही चरमरा जाएगी तो ये खाद्यान्न भी लोगों को नहीं मिलेगा, रोजगार तो शुरू नहीं होगा, आप मान के चलिए, ये कोई नहीं बता सकता कि ये कब तक इस पर कंट्रोल होगा। तो ये भी जरूरी है कि आपके पास जो रिजर्व जो स्रोत हैं
उसको कहीं ना कहीं उसका खनन करा के उसको निकाल के उससे आपके पास पैसे आए, राजस्व में वृद्धि हो। केंद्र इस शायद इस इरादे से कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि जो आज जो भी राज्य इस पे सवाल उठा रहे हैं जी, वो चाहे झारखंड उठा रहा हो, छत्तीसगढ़ उठा रहा हो, महाराष्ट्र उठा रहा हो, देखिए होना ये चाहिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में है, खनिज संपदा जो है केंद्र के नियंत्रण में है, लेकिन कस्टोडियन कौन है उसका, रखवाली कौन करेगा? राज्य सरकार। अगर कोयला यहाँ है तो तभी ना आप नीलाम कर रहे हैं जब वो सुरक्षित है। सुरक्षा कौन कर रहा है उसकी? कोयले की सुरक्षा राज्य सरकार कर रही है, तो उसको तो आपको विश्वास में लेना पड़ेगा, बात करनी चाहिए थी। हमें लगता है कि पहले ही बैठक हो जाती ना कि हम ये करने जा रहे हैं। कई एक मुद्दे पर, जिन जिन मुद्दों पर देखिएगा, अगर चाहे प्रधानमंत्री ने, चाहे गृह मंत्री ने या अन्य मंत्रियों ने जब 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 डायलॉग किया, उसका कोई ना कोई सलूशन निकला है, लोग तालमेल बना के चले। इसमें शायद डायलॉग नहीं हुआ तो इनको लगा कि हमारी उपेक्षा हो रही है, इसके लिए इन्होंने अपना एक अलग रास्ता अख्तियार किया। केंद्र सरकार को लगा कि ये तो मेरा अधिकार है, हम तो राजस्व जब आएगा तो हम तो पैसा दे देंगे उनको, जो उनकी रॉयल्टी और जो है उसके हिसाब से उनको देंगे। इसमें कहने की क्या बात, पहले से ही चला आ रहा है, अब पहले से लोग स्वागत तो किए ही है, तो शायद पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोल वाले में देखिए ऐसा है, एक चीज़ हम जानते हैं कि आवंटन के पहले किसी को भी कोल ब्लॉक के आवंटन के पहले, आयरन ओर के आवंटन के पहले ग्रामीण मतलब क्षेत्र स्तर पे, पंचायत स्तर पे, जिस इलाके में है वहाँ के लोगों के साथ बैठक होती है, उनकी राय ली जाती है। तो हो सकता है उस प्रक्रिया को इन्होंने अपनाया हो, हमको नहीं पता है, लेकिन ये प्रावधान कहीं ना कहीं है कि राय ली जाती है, तो सरकार के साथ भी बात हो गई होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। कल की तारीख में मान लीजिए केंद्र सरकार तो करेगी, नीलामी तो करेगी, एकदम क्लियर है कि वो करेगी, आह्वान भी कर दी है, लोग जाएंगे भी उसमें। वो इसलिए नहीं रुकेगी कि मतलब उसको बदनामी होगी या इसको लोग ये कहें कि अडानी ले जाएंगे, अंबानी ले जाएंगे, क्योंकि उसने फिक्की के साथ मिलकर कर रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यावसायिक हित तो है, मतलब वो लोग तो हैं, वो लोग भी संकट में हैं तो उनको भी काम चाहिए ना, जो पहले वाले काम कहीं ना कहीं है। तो ये प्रोडक्टिव काम जो होता है, कहा जाता है कि दो तरह के काम होते हैं, एक नॉन प्रोडक्टिव होता है, एक प्रोडक्टिव होता है। कोयला प्रोडक्टिव है, जैसे ही आप खोद लेंगे, कर लेंगे तो उसकी कीमत लग जाएगी, क्योंकि ये ज़रूरत हो गई है लोग, मतलब ऊर्जा इससे बननी है, फैक्ट्री इससे चलनी है, उधर चलना है, इवन घरेलू स्तर पर भी इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो खुदाई के साथ ही इसकी कीमत लग जाती है, तुरंत पैसा आता है। बाकी जो उद्योगपति या जो इस तरह के लोग हैं, जो रोजगार पहले से जो उद्योग चला रहे हैं, उसमें अभी एक संकट आया है, बहुतों का प्रोडक्शन बंद हो गया है, बहुतों का बाज़ार बंद हो गया है। तो जब बाज़ार ही बंद हो गया, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो उससे इनकम कहाँ से होगी? तो उसके सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है कि वो लोग कहीं ना कहीं अपना कोई ऐसी राह तलाशे जहाँ से इनकम हो, पैसा है, तो उसको भी सर्वाइव वो कर सकते हैं। तो ये उद्योगपतियों की भी ज़रूरत है, ये केंद्र सरकार की भी ज़रूरत है, और केंद्र के साथ साथ ये राज्य सरकार की भी ज़रूरत है। लेकिन यही है कि जो काम आपसी समझ बुझ से होता है, बैठ के अगर होता है, बोल कहते हैं कि अगर सामने बैठ जाए अगर आदमी, तो अगर सही तरीके से आप अपनी बात रखते हैं तो बड़ा से बड़ा इनेमी भी अगर आप सही तरीके से तो काट नहीं पाए। तो ये जो राजनीतिक जो एक दूरी बन रही है जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, ये डायलॉग होने से शायद ये बात नहीं होती, तब ये सरकार और केंद्र सरकार के बीच में होती। ये दल के बीच में जब आ गई है तो कहीं ना कहीं अब ये दूसरी दिशा में जा रही है। जब तक ये मामला राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार में था, तब तक तो ठीक है, नियम कानून कायदा समझ में आ रहा था कि हो जाएगा। इवन जब तक राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई तो वहाँ भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो दे देगा फैसला तो मानना है। लेकिन जब राजनीतिक दल इसमें उतर गए हैं, जाहिर सी बात है कि जेएमएम भी चाहेगा कि
ये सेंटिमेंटल इशू है जिसको हम पकड़ के रखें। भाजपा भी चाहेगी कि नहीं हम जेएमएम को डॉक में खड़ा करेंगे, कैसे जेएमएम जो इसमें बाधा उत्पन्न करके राज्य को प्रति साल जो है 15,000 करोड़ रुपये से वंचित कर रहा है, और जेएमएम सोचता है कि हम कैसे भारतीय जनता पार्टी को डॉक में रखें कि मतलब इससे कैसे विस्थापन और लोग और कैसे सारी चीज़ें सामाजिक कैसे वो जो एक स्वरूप है इसका बिगड़ेगा, ताना बाना कैसे छिन्न भिन्न होगा और कैसे आर्थिक स्थिति चरमराएगी। तो ये मतलब एक हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये गंभीर आज जो ये रूप दिखाई ये अब ये इसका राजनीतिकरण हो गया और अब ये दोनों दल जो है इसको राजनीतिक अवसर के रूप में राजनीतिक लाभ के रूप में इसको भुनाना चाहेंगे। अब ये मामला सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट के बीच का नहीं रह गया, फैसला चाहे जो हो धरती यहाँ तो है, यहीं पे है ना संपदा। तो जब तक अगर जेएमएम नहीं चाहेगा, मान लीजिए कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट भी देता है कि नीलामी कर दीजिए और जेएमएम के सारे लोग इलाकों में आंदोलन कर देते हैं, चाहेंगे कैसे मान। हमें लगता है कि अब ये जो राजनीति का जो प्रवेश हुआ है अब इसको ये लोग चाहे जो भी अपना अवसर के रूप में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं दोनों इसको इस सेंटिमेंटल इशू है, ज्वलंत मुद्दा है, तो दोनों चाह रहे हैं कि मतलब वो अपने तरीके से उस केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ा होकर उसका लाभ लेना चाहती है, और जेएमएम भी जो चूँकि ये मुद्दा जो है सेंटिमेंटल इशूज है और चूँकि इसकी बात इससे बात नहीं हुई, इसकी बात नहीं मानी गई, तो ये भी अपना रास्ता खोज रहा है। राजनीति में तो सब कुछ जायज होता है ना, ये तो कहा जाता है कि एक जो है किसी के लिए वो नुकसान पहुंचाता है तो किसी को फायदा पहुंचाता है, इसमें से कोई ना कोई तो लाभान्वित हो गए। सर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर यदि जनता की नज़र से इस पूरे मामले को देखा जाए तो करीब 60,000 लोग विस्थापित होंगे। विस्थापन और पर्यावरण का सवाल झारखंड के लिए बड़े महत्व का रहा है, तो जनता की नज़र से क्या यह जो कोल ब्लॉक की नीलामी है इससे जो संभावित विस्थापन होगा उसके खतरे से क्या राज्य सरकार निपट पाएगी? देखिए दो चीज़ है इसमें, हम बता रहे हैं कि विस्थापन बड़ी बात नहीं है। अगर जहाँ कोयला रिजर्व है, आयरन ओर रिजर्व है, वहाँ अगर लोग बसे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एरिया तो सरकार का है, वहाँ बहुत कुछ तो वो कर नहीं पाएंगे। अगर उनके जीवन यापन के लिए सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए ईमानदारी से केंद्र सरकार या राज्य सरकार व्यवस्था करे तो कई बार मतलब लोग जब वहाँ से विस्थापित होते हैं दूसरी जगह जाते हैं, अगर मान लीजिए उनको रहने के लिए घर मिल जाता है, खेती करने के लिए कुछ ज़मीन मिल जाती है, रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, तो फिर उनको विस्थापन का दंश कहाँ झेलना पड़ेगा। आदमी तो कहीं भी तभी बसता है ना जब वहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ हम बसे हैं तो यहाँ से हमारी रोजी रोटी चलेगी, यहाँ पे हम अपने जीवन दशा को सुधार लेंगे, हमारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी हो जाएंगी, इसीलिए जाते हैं। तो ये काम अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी लेती है या सरकार जिम्मेदारी के साथ अगर उनको जहाँ लोग बसते हैं जहाँ है उस इलाकों में अगर लेके जाए तो उनको कोई नुकसान नहीं है, अच्छा ही है, माहौल मिलेगा, परिवेश मिलेगा, लेकिन वो इसीलिए विचलित होते हैं या इसीलिए उनके मन में शंका आशंका होती है कि वो उनके साथ ऐसा न्याय होता नहीं है जी। आज तो अपने जीवन मतलब अपने लाभ के लिए अपने करियर को देख अपने करियर के लिए जीविकोपार्जन के लिए अपने विकास के लिए लोग तो मैंने अपनी जन्मभूमि को छोड़ के चले जाते हैं, स्वेच्छा से जा रहे हैं। ये तो यहाँ उद्योग धंधा लगेगा तो यहाँ विस्थापन होगा, ये तो एक बात है। कई बार तो बसे बसाए लोग जो जहाँ अपने घरों में बसे हैं, जैसे आप ही आए हैं कहीं से आए हैं नया झारखंड जी, तो वहाँ तो होंगे अब बसे होंगे, वहाँ भी रोजगार, लेकिन आपको लगा कि यहाँ आने से अच्छा हो सकता है जी। तो आप भी आए हैं वहाँ से, लेकिन ये इसको आप विस्थापन के रूप में नहीं देखते हैं क्योंकि आपने स्वेच्छा से आया और जिस तलाश में आए वो तलाश आपकी पूरी हो रही है, तो आप इसको अवसर मान रहे हैं।
जी। इसी तरह अगर जो जिन इलाकों में आयरन और मतलब ये है कोयला खदानें हैं वहाँ पे जो लोग हैं अगर उनको पहले अच्छी तरीके से ले जाकर उनको बसा दिया जाए, सारी चीज़ें उनको मिल जाए, तो हमें तो लगता है कि वो तो गुणगान ही करेंगे। वहाँ तो ऐसे भी वो परेशान है, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए झरिया जी, आज भी झरिया में लोग हैं, नीचे आग लगी हुई है, ऊपर ही अपना घर बना के रह रहे हैं, कब गड्ढा हो जाएगा उसे जल के भस्म हो जाएंगे ये पता नहीं है। अगर मान लीजिए उनको ले जाकर कहीं अच्छी जगह पे उनके लिए घर बना दिया जाता है, उनके लिए रोजगार का अवसर दे दिया जाता है, उनको काम धंधा मिल जाता है, तो क्यों आग के ऊपर बैठेंगे वो? उससे कौन सी उनकी जीवन दशा सुधर रही है, उनका स्वास्थ्य कौन सा सुधर रहा है? तिल तिल करके उनका स्वास्थ्य वहाँ मतलब कमजोर हो रहा है, वो मर रहे हैं एक तरह से, हर दिन वायु उनकी आयु जो है उनकी कम हो रही है। कहते हैं ना कि एक धुआं जो जाता है लोगों को, तो वहाँ तो आग के ऊपर ही वो बैठे हुए हैं, तो वहाँ तो खून ही जला रहा होगा। तो हमें ये कहते हैं कि विस्थापन मुद्दा नहीं है, अगर आप विस्थापितों के साथ न्याय कर देते हैं, जो उनका अधिकार है, जो उनको चाहिए, अगर आप वो दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे इसलिए हो रहा है। अब ये कंपनी मतलब यही अगर हो जाए, पहले अगर आ जाता कि नहीं ये 20,000 लोग हैं और ये नीलाम करने के पहले या नीलामी के समय जो भी लेगा इसमें 20,000 लोगों को यही है सुविधा देके ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे, तो हमें लगता कोई नहीं बोलेगा। सर झरिया की आपने बात कही, जैसे ही हम कोयला नीलामी या कोयला खनन की बात करते हैं हमारे सामने तस्वीर उभरती है झरिया की, झरिया की बात होती है। तो जब राष्ट्रीयकरण के बाद झरिया में कोयला का खनन हो, उससे पहले निजी कंपनियां करती थी, तो निजी कंपनियों ने जो अनसाइंटिफिक तरीके से कोयले का खनन किया उसका दुष्परिणाम झरिया आज भी भुगत रहा है। एक बार फिर हम निजीकरण की ओर ही बढ़ रहे हैं कोयला खनन में, तो एक तो निजी कंपनियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा, दूसरा हम ये देख रहे हैं कि इसमें शोषण जो है श्रमिकों का शोषण वो ज़बरदस्त होता है, उस पर से अपना हित कंपनियां सिर्फ देखते, उन्हें जो काम करते हैं उनसे कोई खास मतलब नहीं होता है, कुछ एक कंपनियों को छोड़ देते हो, टाटा जैसे कंपनियों को छोड़ देते हो, तो ये जो श्रमिकों के हितों का सवाल है ये कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, और जो जिस जिसका दुष्परिणाम झरिया भुगत रहा है, क्या फिर कोई और झरिया हम पैदा नहीं करेंगे? देखिए मामला जो है नियंत्रण करने का होता है जी, अगर हम तय करते हैं कि यहाँ से 1,000 टन ही कोयला निकलना है उदाहरण के लिए, और इस पे हम नियंत्रण करते हैं और 1,000 टन ही अगर निकलता है तो वो इसको आप नियंत्रण में कहेंगे। जो अभी आप बात कहें निजी कंपनियों की, जो बात किया कि क्या स्थिति थी जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, पहले तो प्राइवेट के हाथ में था, तो उससे नियंत्रण नहीं था। नियंत्रण सरकारी कंपनियों पे भी नहीं है। देखिए कोयला की खुदाई हो रही है, खनन हो रहा है, और उसकी तस्करी भी उसी मात्रा में हो रही है, बल्कि ज़्यादा संगठित तरीके से जो तस्कर जो हैं इन मतलब सरकारी कंपनियों के सामने संगठित तरीके से अपने तस्करी कर रहे हैं। एक सीआर चूँकि अधिकारी को मिल जाता है ये चुप हो जाता है। निजी कंपनी में कि तस्करी बोल के कोई चीज़ नहीं रहेगी। अब रह गया खनन की बात, तो खनन की बात है तो सरकार उस पर नियंत्रण कर सकती है, जो सरकार उसको लीज दे रही है वो तो ये शोर करेगी ना कि अगर मान लीजिए हम 1,000 टन के लिए उसको दे रहे हैं तो 2,000 टन हम उसको क्यों ले जाने देंगे, ये व्यवस्था तो हम करेंगे, और ये राज्य सरकार के साथ मिलकर इसको करना चाहिए, लोकेट करना चाहिए। तो हम बोले कस्टोडियन तो राज्य सरकार है, भले आप मालिक वहाँ बैठे हैं, तो राज्य सरकार को अगर आप मान लीजिए नहीं लेते हैं विश्वास में, अकल किसी निजी कंपनी को अगर दे देते हैं तो आप तो आइए कहाँ से आइएगा उसको देखने के लिए, आपके पास कितना तंत्र है उसको जांचने के लिए देखने के लिए? भाई विभाग तो यहीं पर राज्य सरकार का है, मतलब खान विभाग और तमाम है, तो ये नहीं लीजिएगा तो ये भी छोड़ देगा कि हमारा क्या जाता है। अगर विश्वास में लिए रहिएगा तो उसको तो नहीं ना खोदने देगा, इधर से उधर केस करेगा ना। पिछले दिनों जो हुआ उसमें क्या हुआ, जो शाह कमीशन जो बना गठित हुआ, मुकदमे हुए,
बहुत सारे लोगों के साथ, तो उसके साथ क्या हुआ कि आपने तो दे दिया, देखने वाला कोई था नहीं, इन्होंने मना स्थानीय स्तर पे कुछ अधिकारियों को मिलाया और अपना रिजर्व को रिजर्व छोड़ दिया, दूसरी तरफ अंदर अंदर जाके खोद के लेके चले गए, केस भी हुआ, अभी कुछ हो नहीं रहा है। इसमें देखिए आशंका जरूर, जेएमएम भी अगर आशंका व्यक्त कर रहा है कि नहीं बड़े लोग अगर मान लीजिए कुछ ऐसे लोग आ गए तो अहित ही होगा, तो उसकी आशंका भी बिल्कुल निर्मूल नहीं है, आशंका में दम है। ऐसा पहले हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, वो सरकारी कंपनियों ने भी किया है और प्राइवेट कंपनियों ने भी किया है। जैसे कुछ प्राइवेट कंपनियों को भी मिला है, मतलब कोयला का ब्लॉक जो है प्राइवेट कंपनी, उन्होंने भी छुटके किया, आयरन ओर को क्या किया था, हस्तनाश कर दिया अपना, चाईबासा को खाली कर दिया, तो प्राइवेट कंपनियां ही वहां निकालती हैं आयरन ओर करती हैं, सब भेज दिया बाहर, बोला था हम उद्योग लगाएंगे, उद्योग भी नहीं लगाया, असर बाहर में भेज दिया, अब जेल भी नहीं हो रही है, मैनेज कर लिया उसने, केंद्र को भी मैनेज किया, मैं कह सकता हूँ सीबीआई जैसी संस्था को उन्होंने मैनेज कर लिया, नहीं तो साहब कमीशन की रिपोर्ट था पर एक्शन हो गया होता, क्यों नहीं हो रहा बताना चाहिए। तो इसमें भी मान लीजिए अगर प्राइवेट कंपनी को नीलामी हो गई, ठीक है एक समय वो पैसा दे देगा, लेकिन अगर आप नियंत्रण में नहीं रखिएगा उसको, तो जो एरिया आप उसको मार्क करके दिए हैं उससे अंदर घुस का और नहीं खोद लेगा, इसकी क्या गारंटी, जो पहले से खुदाई हो रही है, तो आपको नियंत्रण तो करना, नियंत्रण राज्य सरकार से ही होगा। तो इसलिए हमें लगता है कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मिल करके, इसमें कम से कम राजनीति दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए, मतलब ये तो सरकारी एक खरीद संपदा तो देश का है ना जी, तो एक कस्टोडियन है, उसको करना है तो उसको भी बताए, उसको भी समझा दे, इसका हक भी दीजिए, मैं और कुछ नहीं तो मेहनताना तो इसको दीजिए, अगर देखभाल कर रहा है उसका तो दीजिए ना पैसा, समय से दीजिए, कुछ बढ़ा के दीजिए इसको, मान लीजिए आपको पैसा अगर बढ़ा हुआ दर से मिल रहा है तो इसको बढ़ा के दीजिए, बताइए इसको ये मिलेगा तो कहीं क्यों नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन वही है कि कई बार होता है कि पूरी बात नहीं अगर सामने आती है तब भी ये कहीं लोगों में डिफरेंसेस पैदा होता है, बातचीत से समस्या का समाधान हो जाता है। कहते हैं कि जो काम गोली बंदूक नहीं कर सकती वो बातचीत से हो सकती है, अगर शायद बातचीत अगर होती तो ये कहीं केस मुकदमों की बात नहीं होती और आज दलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर झारखंड अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है, यहाँ खनिज पे तो नज़र जाती है लेकिन टूरिज्म में रोजगार के इतने अवसर हैं और दूसरे तरह के जो अवसर उन पे बात क्यों नहीं होती, रोजगार देने का स्रोत उनको क्यों नहीं माना जाता जबकि उससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, माइनिंग की ओर ही ध्यान क्यों जाता है। तो ये क्या है ना कि इसमें तो कहीं ना कहीं मतलब ये नेतृत्वकर्ता के ऊपर डिपेंड करता है, उसका विजन क्या, वो करना क्या चाहता है। जब से झारखंड बना है हमने देखा है जितने भी मुख्यमंत्री बने, अभी हम हेमंत सोरेन की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी इनको 6 महीना हुआ है, पूर्ण रूप से सरकार में आए 6 महीना हुआ, इसके पहले जो थे तो समझिए आप आए थे 1.5 साल के लिए, लेकिन सिर पे चुनाव था, इसके पहले की जो स्थिति अभी समझ रहे हैं, जितने भी लोग आए इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के थे दूसरे लोग थे, हमने देखा कि उनका पूरा का पूरा समय कुर्सी को बचाने में गया। बाबूलाल मरांडी जब पहली बार मुख्यमंत्री यहाँ बने तो च्वाइस गलत नहीं थी, बिल्कुल सही च्वाइस थी भारतीय जनता पार्टी की और खासकर अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने बनाया। हुआ क्या कि जो 2.5 साल के आसपास रहे वो 2.5 साल का उनका कार्यकाल था, कोई मैंने हम लोग तो मीडिया में थे, हर 1 महीना 1.5 महीना में एक खबर छपती थी कि अब गए कि तब गए, नेतृत्व परिवर्तन हो, ये छपती थी अखबार में, हवा में भी नहीं था, एक दूसरा क्लास था जो वर्ग था, करिया मुंडा और दूसरे तरह के लोग थे, तो कहीं नहीं वो चाहते थे कि हम बने, तो अपनी कोशिश तो करेंगे। तो जिसको ये डर बना हो बराबर कि कब हमको हटा देगा, कब, पूरी उनकी ऊर्जा और ताकत जो लगती थी कुर्सी को बचाने में लगी। उसके बाद अर्जुन मुंडा आए, तो चूंकि बहुमत की सरकार नहीं थी, निर्दलीयों के सहारे सरकार चलना था, तो कितने आप अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, तो उनको भी लग रहा था कि कैसे हम बचा के चले, कैसे हम काट लें, 2 बार आए 3 बार आए, मधुकोड़ा आए तो उसकी कहानी तो आप जान ही रहे, इस बार हेमंत सोरेन आए। तो ये इसमें क्या है कि अगर इनको भी काम करने का अगर मौका नहीं दिया जाएगा,
अगर हेमंत सोरेन को ये आशंका हो जाती है कि नहीं कुर्सी रहेगी कि जाएगी और कुर्सी पर अगर इनको रहना है तो ये झारखंड के बारे में क्या सोच पाएंगे। तो जनता तो अपना काम करती, चुन के भेजती, जो राजनीतिक दल है अगर वो इस सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे कि नहीं ये जनादेश है और जनादेश 5 साल के लिए इनको मिला है, ये 5 साल इनको काम करने दिया जाए, वो चाहे दल के अंदर के लोग हों, गठबंधन के लोग हों या विपक्ष के लोग, जब तक इस सच को स्वीकारेंगे लोग, मान लिया अब एक माहौल नहीं देंगे काम करने के लिए, तो ये झारखंड के बारे में क्या सोचेंगे आप बताइए। रोज अगर इस तरह से ही हो, कोई बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई गाली दे, जो इसके पहले भी हो रहा था, तो क्या करता, कहाँ से सोचता है कि हमको करना क्या, टूरिज्म की तरफ उसका ध्यान कहाँ से जाएगा। यही ना कारण है कि सब कुछ रहते हुए भी 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन तो नहीं ना बढ़ा झारखंड में, बल्कि जो हो रहा था वो घट गया 20 साल में। जहाँ इतनी बड़ी खनिज संपदा हो, इतना कोयला हो, पानी हो, और आप एक संयंत्र नहीं लगा पाए झारखंड बनने गठन के बाद से, नया कोई आप नहीं लगा पाए अपना सरकारी वाला, पहले के जो थे आपने बेच दिया पतरातू को NTPC के हाथों, जो ट्रिब्यूनल है उसमें देखिए जो उस समय था, अभी उसकी क्या स्थिति है, सिकंदरी की क्या स्थिति हो गई। तो ये किन कारणों से हुआ, वो इसलिए हुआ कि जो वहाँ बैठा उसको काम करने नहीं दिया गया, कुर्सी बचाने में उसका सारा समय गया, इसलिए ध्यान उधर नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं कि हर आदमी जानता है, जो भी बैठता है आप देखिएगा, शुरू के दिनों में उसकी बात को देखिएगा, वो ईमानदारी से करना चाहता है। हेमंत सोरेन भी आए हैं, प्राथमिकता गिनाए हैं, लेकिन कल की तारीख में मान लीजिए अगर उनको माहौल नहीं मिलेगा, कांग्रेस अगर उनकी पूरी तरह से साथ नहीं देगी, दूसरे दल साथ नहीं देंगे, मान लीजिए दे भी दिया रोज अगर भाजपा वाले टांग ही खींचेंगे, केंद्र ही मान लीजिए उनको पैसा ही नहीं देगा जो इनका हक है, तो ये कैसे मतलब क्या सोचेंगे, कैसे वो चलाएंगे। वो तो जिनको ये चिंता लगेगा कि कल हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे होगी, हम ये जो कोरोना से पीड़ित हैं इनका इलाज कैसे कराएंगे, उनके यहाँ हम खाद्यान्न कैसे पहुँचाएंगे, जब सुबह से शाम तक अगर इसी फ्रंट पे अगर लड़ते रहेंगे तो फिर झारखंड को के लिए विकास के रास्ते कैसे चुन पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष के लोग भी पूरी तरह से साथ में हों, जो गठबंधन जो सरकार बनाए वो एकदम खुला हैंड इनको दे, प्लस भारतीय जनता पार्टी भी इस सच को स्वीकारे कि जनादेश यही है, जनादेश का कम से कम अनादर नहीं हो, हर दिन आप खटखटे में खड़ा मत करिए। हाँ, राजनीति घेरना भी चाहिए, अगर काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही है, गलत हो रही है, तो उसको घेरना चाहिए। ये विपक्ष का ये बहुत बड़ा होता है, कहा जाता है कि अगर विपक्ष चाह ले तो सत्ता पक्ष गड़बड़ कर ही नहीं सकता, लेकिन वो चाहना सिर्फ राजनीतिक मकसद नहीं होना चाहिए, वोट बैंक के हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, सचमुच में झारखंड हित में, झारखंड के 3.5 करोड़ जो लोग हैं उनके हित में अगर आप ऐसा करते हैं और उसके लिए अगर सरकार पे नकेल कसते हैं या इन मतलब बात उठाते हैं तो आपका सम्मान होगा, आदर होगा। अगर नहीं होता है तो फिर तो अभी तो आपको जनता ने साइड किया ही है, अब 4 साल के बाद यह भी सही बात कि इनको चुना है, इसलिए चुना है कि उसमें उस सरकार में कोई कमी थी, गड़बड़ी थी, चाहे जो भी रहा हो, अब ये अगर अच्छा कर दिया तो उसी इलाके में बैठा लेंगे, नहीं तो 5 साल में तो सबको अवसर तो मिलता है, जनता को तो फिर अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा, अगर काम अच्छा कर दिया तो फिर अगला साल 5 साल तक हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर तो जो होता है सबको पता है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस सच को स्वीकार करना चाहिए और केंद्र को कम से कम राज्य सरकार से जब ये बातचीत करना चाह रहे हैं, जब एक तो होता है कि हम बात ही नहीं करेंगे, बंगाल में तो थी ममता बनर्जी, कई मामलों में उन्होंने कहा हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, तो आखिर आप तो बात करते रहे ना किसी हर मुद्दे पर, हर समय पर आपने कहीं ना कहीं तो बात की, कुछ हुआ तो भाई केंद्र तो एक अभिभावक के रूप में है ना, राज्य अगर नाराज भी हो जाता तो उसको मनाना केंद्र का छोड़ तो नहीं सकता है ना, उसका तो वही कर्तव्य है समझाना है, अगर मान लीजिए गलत नहीं है तो उसको बताना है कि हम एकदम सही हैं, देखिए आप गलत हैं, इस कारण से हम सही हैं, सहयोग करिए, ये चीज़ें होंगी तो बात करनी चाहिए। 20 साल के युवा झारखंड को महागठबंधन की सरकार से ढेर सारी उम्मीदें हैं,
राज्य में कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है, लेकिन इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में विस्थापन और पर्यावरण के विनाश का मसला उतनी गंभीरता से नहीं उभर रहा है जितना उभरना चाहिए। झारखंड अपार संभावनाओं से भरा प्रदेश है, यहाँ टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं और अन्य ऐसे कई तरीके हैं जिनसे रोजगार दिया जा सकता है और एक खुशहाल झारखंड बनाया जा सकता है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। सरकार को तय करना है कि विकास का रास्ता क्या होगा, लेकिन अभी उस ओर दृष्टि जाती है कि नहीं यह देखना दिलचस्प होगा। हरिनारायण सिंह सर ने जो राजनीति हो रही है कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर उस पर विस्तार से अपनी बातें रखी और उनसे कई तथ्य निकलकर सामने आए हैं। एक तथ्य सबसे महत्वपूर्ण जो है कि संवाद होना चाहिए और संवाद से रास्ता निकलेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि संवाद से झारखंड की तकदीर बदलेगी। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।